जैसा कि आप सभी को पता है, आज अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो सभी मंदिरों में प्रसाद का भोग तो लगाया ही जा रहा है, लेकिन हम सभी घर पर भी पूजा अर्चना करके श्री राम लला को भोग लगाएंगे। तो आज मैं भगवान श्री राम लला के भोग के लिए बनाऊंगी मोतीचूर के लड्डू। घर में कोई भी फंक्शन हो, त्योहार हो या पूजा, हर ओकेजन पे लड्डू तो बनता ही है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोतीचूर लड्डू की रेसिपी, वो भी बिना झारा के। जी हाँ दोस्तों, आज हम मोतीचूर लड्डू बिना किसी झारा के बनाएंगे, वो भी एकदम परफेक्ट बाजार की तरह। इसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं बिना घी के घी वाले स्वाद का लड्डू बनाने का सीक्रेट। ये लड्डू एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगा, इसे लंबे टाइम तक आप स्टोर करके रखेंगे तभी भी ये लड्डू सॉफ्ट ही रहेगा। तो इसके लिए मेरा पूरा वीडियो आपको बिना स्किप किए देखना होगा। एकदम परफेक्ट रिजल्ट के साथ इन टेक्निक को फॉलो करके आप भी मोतीचूर के लड्डू एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बाजार की तरह बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रेसिपी। मैं नीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीता इन द किचन में। मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप बारीक वाला बेसन लेंगे, जिसे मैंने दबा दबा कर कप में रखा है। इसे एक बोल में डालेंगे। यह दोस्तों बूंदी बनाने के लिए हमें बारीक वाला बेसन जो जनरली किचन में यूज होता है वही वाला बेसन लेना है। मोटा बेसन से बूंदी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेगा, इसलिए मोटा वाला बेसन आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जिस कप से हमने बेसन को मेजर किया है ना, उसी कप से सारा कुछ मैं इसमें डालूंगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। मैं एक बार में डाल रही हूँ, आप धीरे धीरे करके भी इसे डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। इसे विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेसन की सारी गुठलियाँ खत्म हो जाए। इस बात का आपको इंश्योर करना होगा कि बेसन में बिल्कुल भी गुठलियाँ न रहे, वरना बूंदी अच्छा नहीं बनेगा। मैं इसमें 1 कप और पानी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो बूंदी का बैटर हम बनाएंगे ना, एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, एकदम रनी बैटर बनाना है हमें। जब मैं इसे चम्मच से उठा रही हूँ तो आप देख रहे हैं चम्मच के ऊपर कोई मोटा लेयर नहीं आ रहा है, और जब मैं इसमें उंगली डुबा रही हूँ तो ऐसे ड्रॉप्स गिर रहे हैं। तो बैटर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब बूंदी को बनाने के लिए मैं नमक का पैकेट यूज कर रही हूँ। इसी से हम आज मोतीचूर वाले लड्डू की मोती बनाएंगे। तो इसको एक साइड से मैंने पूरा काट लिया है, और दूसरे साइड से चौड़ा वाला जो पार्ट है ना, इसे थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। ध्यान रहे जहाँ पैकेट सील हुआ है ना, वहां से नीचे वाला पोर्शन काटना है। उसके बाद एक कोने पे बिल्कुल हल्का सा पतला सा कट लगा लेंगे ताकि हमारी बूंदी ना बिल्कुल छोटी छोटी बने, बैटर की पतली सी धार निकले। अब बैटर को एक बार चलाकर हम मिक्स कर लेंगे और इसे नमक वाले थैली में भर लेंगे और ऊपर से रबर बैंड लगाएंगे। तेल को मैंने पहले से गर्म करने को रख दिया था। तेल को हमें मीडियम गर्म करना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं गर्म करना है। तो अब तेल मीडियम गर्म हो चुका है। अब थोड़ी ऊंचाई से चारों तरफ से घुमाते हुए तेल में बैटर को डालेंगे। तो देखिए बूंदी की कितनी अच्छी मोतियां बन रही हैं। थोड़ी देर के बाद एक बार इसे हल्के हाथों से चला लेंगे और इसे चाय वाले छन्नी से निकालकर बड़े स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि बूंदी का मैक्सिमम तेल निकल जाए। और इसके बाद जब भी आप बूंदी डालें, बैटर को थोड़ा हिला लें। बीच बीच में अगर कभी बैटर निकलना बंद हो जाए तो टिप को थोड़ा दबा दें, फिर बैटर निकलना शुरू हो जाएगा। आपको टिप को बिल्कुल भी नहीं काटना है, वरना होल मोटा हो जाएगा और मोटी मोटी बूंदियां बनने लग जाएंगी। इस बात का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि जब भी अंदर से लिक्विड नहीं निकले, आपको होल को मोटा नहीं करना है, काटना नहीं है, हल्का सा हाथ से दबा देना है, फिर आराम से निकलने लग जाएगा और आपकी बूंदी की मोती आसानी से बनने लग जाएगी। इस तरह से सभी बूंदी को हम बना लेंगे। तो है ना बहुत गजब का, कमाल का तरीका। अब मोतीचूर लड्डू की बूंदी बनाने के लिए हो गई ना झारे की टेंशन खत्म। इस तरह से इतनी सारी बूंदी मैंने बना ली है। अब हम चाशनी बनाएंगे। कुछ लड्डुओं को मैंने पहले ही बना लिया था, तो बूंदी को हमने यूज कर लिया है। तो अब मेरे पास 1 कप बेसन की बूंदी रह गए हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 1/4 कप चीनी, यानी 3/4 कप चीनी, और इसमें हम डालेंगे उसी कप से 1/2 कप पानी। गैस को ऑन कर देंगे और अब इसमें डालेंगे 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर और चीनी मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहना है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब गैस का फ्लेम लो करके सभी बूंदी को हम इसमें डाल देंगे। अब इस बूंदी को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि बूंदी एकदम सॉफ्ट हो जाए।
मुझे इसमें कलर थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा डार्क कलर देखने में अच्छा लगता है, तो मैं इसमें एक पिंच और कलर ऐड कर रही हूँ। आप कलर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी बूंदियाँ अच्छे से कलरफुल हो जाए एक जैसा। अब एकदम परफेक्ट मोतीचूर लड्डू वाला कलर आ गया है। अब कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है, तो बूंदी को लेकर दबाकर देखेंगे कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये पूरी तरह भी सॉफ्ट नहीं हुआ है। इसके लिए हम इसमें 1-2 चम्मच पानी डालेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद देखिए बूंदी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो एंड में हम इसमें डालेंगे फ्रेश कुटी हुई इलायची। मैंने 4-5 इलायची को कूट लिया था। इसे मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू में घी वाला स्वाद आए इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हो गया ना बढ़िया सा जुगाड़। बिना घी में फ्राई किए हुए लड्डू बिल्कुल घी वाले लड्डू का स्वाद देगा। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से आपका लड्डू बिल्कुल भी घी जैसा स्वाद का बनेगा। अब इसे 10 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर इसका लड्डू बनाएंगे। 10 मिनट के बाद इसे एक बार चलाएंगे और किसी परात में निकाल लेंगे। अब लड्डू एक जैसा शेप में बने तो इसके लिए स्पून से एक पोर्शन लेंगे और शेप दे देंगे। तो इस तरह से एकदम राउंड एक जैसे शेप की सभी लड्डू बनेंगी। तो देखिए कितना बढ़िया मोतीचूर लड्डू बनकर तैयार हो गया है। ये मोतीचूर के लड्डू लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगी। तो आप भी इस टेक्निक को फॉलो करते हुए बिना झारा के घर पे मोतीचूर लड्डू बिल्कुल बाजार की तरह बना सकते हैं। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपके भी लड्डू बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम बाजार जैसे बने हैं ना हमारे मोतीचूर के लड्डू। आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एक एक दाना मोती की तरह कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सॉफ्ट, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज के मोतीचूर लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया रेसिपी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।